प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए त्रिवेणी जन कल्याण सेवा संस्था ने कैंप लगाया। वहीं बच्चों को मलेरिया, डेंगू, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों की देखरेख के तरीके भी बताए गए। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों द्वारा भी बच्चों को बीमारियां व साफ सफाई के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि इस समय बारिश के अंतिम पड़ाव पर गंदगी और जल भराव आदि के कारण डेंगू, हैजा, मलेरिया आदि के कीटाणु पनपने से बीमारियां फैल रही हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय सिलाहरा में आयोजित शिविर में बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टरों ने अपील की कि घरों के आसपास बारिश का पानी इकट्ठा ना होने दें, जमा हो रहे पानी में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। वहीं खाने पीने से पूर्व साबुन से या फिर हैंड वॉश से हाथ धोने की सलाह भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीआर।